एसी के लिए हमने 25 MP लगाया, तीन ये एसी, एक दो तीन, और ये बाकी के रूम में की हॉल में की रूम में के किचन में क्या, और ये बेडरूम में का, और ये किचन ये इन्वर्टर का कनेक्शन है, ये सब के लिए हमने 16 एम्पीयर की MCB लगाई। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे RCC भी लगाई है, और इसके बाजू में मेन पावर सप्लाई कट करने के लिए आइसोलेटर लगाया है। अभी देखिए आगे हमने कैसे टाई पट्टी से ये वायरिंग को अच्छी तरह से बांध के रखा है। यहाँ पे न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल यहाँ पे आके वो पट्टी में हमने ज्वाइंट किए, और इधर एक पट्टी है, इसने हमने सारे अर्थिंग एक एक करके इसने जोड़ दिए, सारे जोड़ दिए सब। अभी हम ये मेन कनेक्शन डालेंगे इसके अंदर, और हमने इसके लिए मेन कनेक्शन के लिए हमने 4 square mm की वायर यूज़ की है, और ऐसे के लिए 2.5, और सब कनेक्शन के लिए 2.5 के हमने वायर एक लिए है, और अर्थिंग के लिए हमने 1.5 की वायर चुनी। अभी देखिए नीचे कनेक्शन आ गया हमारे मेन कनेक्शन,
ठीक है, अपने आप ने यहाँ पे प्रेस की वायर जोड़ी है और यहाँ पे न्यूट्रल की वायर जोड़ी है, अब इसका कनेक्शन अभी हम हो गया जैसे थे वैसे उठाइए। बैठ गया इधर, इसकी पट्टी वे काम कर।